आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप इस चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो भैया बढ़िया ही बढ़िया है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की 69,000 शिक्षक भर्ती में। कहते नहीं कि जल्दी का काम शैतान का होता है ना। अब वो विद्यार्थी चूंकि डिवीजन बेंच से मैटर अपना जीत चुके थे तो इसलिए वो कुछ ज्यादा उत्साहित होकर के कहीं यहाँ धरना प्रदर्शन, कहीं वहां धरना प्रदर्शन, तो कहीं ये चीजें हैं तो कहीं वो चीजें हैं, कहीं इसका घर घेर रहे हैं तो कहीं उसका घर घेर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप लोगों को शांतिपूर्वक बैठना चाहिए था और गवर्नमेंट को वो चीजें करने देनी चाहिए थी। जब अधिकारियों ने आपसे कह दिया कि हम अच्छर से उसका पालन करेंगे तो रोज आप लोग जो है मतलब कोई यहाँ धरना प्रदर्शन, कहीं वहां धरना प्रदर्शन। मामला पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। और सच में कहूं तो रिजर्वेशन का एक्सप्लेन होना अत्यंत आवश्यक है। लाभ ले नेता लोग, लड़ाई आपस में लड़ाई होती है किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी। ठीक, वह मनस्वता विद्यार्थियों के बीच में फैलती है। लाभ कौन लेता है? नेता लोग लेते हैं, समझ रहा है ना। तो ये चीजें आप लोग अपने मन में मत लाइएगा बिल्कुल भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी का हो या अनरिजर्व कैटेगरी का हो। आप भी स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिएगा बिल्कुल भी। फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगी है, 23 तारीख को इस पर हेयरिंग होगी, ठीक है। और आरक्षण को एक्सप्लेन करना अत्यंत आवश्यक भी हो गया है कि आरक्षण कैसे दिया जाएगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, कितने चरणों में दिया जाएगा, फाइनल मेरिट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ओवरलैपिंग की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीजें अगर सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर दे तो कम से कम यार इतना तो हो जाएगा कि नेताओं के जबान पे ताला लग जाएगा, ठीक है। कुछ लोग नेता लोग घूमते ना रिजर्वेशन के ठेकेदार, उनके जबान में तो पक्का ताला लग जाएगा, ठीक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वो बोल नहीं सकते कुछ भी, अवमानना हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें तो हो ही जाएंगी और कम से कम विद्यार्थियों के मन में जो मनस्था आती है अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर के, रिजर्व कैटेगरी को लेकर के, ये चीजें समाप्त होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के था, बीटीसी वाले बीएड को नीचे गिराना चाहते थे, बीएड वाले उनको देख करके टूटी आंखी नहीं सुहाते थे, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों को कहते रहे कि जल्दी है जल्दी हल बुला रहे तो दोनों हाथें खाए। अब दोनों हाथें खाने से मोहना तो एक ही है ना, तो भाई निवाला तो उतने एडजस्ट कर पाएगा ना। इसी में ये चीजें हुई हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। अभी तक 3 महीने में लिस्ट आप लोगों की आनी थी, अब कब आएगी भगवान जाने, ठीक। तो धैर्य रखिए, आगे देखिए क्या होता है। बात करते हैं आप लोगों के टीजीडी पीजीडी 2016-2021 की। जो याचिकर भाई बंधु है, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं प्लीज एंड प्लीज दे दीजिए 97-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। ये बेहद जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप सभी लोगों से, जितने विद्यार्थी हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, अत्यंत आवश्यक है। समायोजन की प्रक्रिया आप सभी लोगों की अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ तकनीकी खामियां हैं उनकी। आज निदेशालय में हम लोग गए थे और ये चीजें क्लियर हुई हैं, उनका समायोजन होने के बाद याचिकाओं को सुध ली जाएगी। मैं आप सभी लोगों को इस बात का आश्वासन दे देना चाहता हूं कि कोर्ट से हम लोगों की विजयश्री होगी और आप लोगों को सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से। धैर्य रखिएगा क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, पहले ही बता दे रहा हूं, धैर्य रखिएगा। आप लोगों को मुस्कान जरूर मिलेगी, मुस्कान मतलब खुशी, खुशी मतलब हैप्पीनेस, है ना, वो चीजें आप लोगों को मिलेगी। और आप ता उम्र अगर याद रखना चाहेंगे तो जरूर याद रखेंगे कि हाँ कोई सार्थक भाई था और उसने जो है मतलब मेरे जीवन में एक ऐसा उजाला किया
जो कि सारे अंधेरों को मिटा करके रख दिया। तो अगर मैं ऐसा कर सका, जिसकी चांसेस लगभग 100% है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों का हर चीज का पक्ष लेना, हर कार्य में इंक्लूड रहना कि आप लोगों का हित हो, अहित कहीं नहीं हो, ठीक है ना। वो मेरा नैतिक कर्तव्य, मेरा नैतिक धर्म है, आप लोग इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, सपोर्ट करिए चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोज को लाइक करने के लिए भी बोला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी की टीजीटी पीजीटी 2022, क्योंकि आज मीटिंग थी, प्रेजेंटेशन हुआ है, तो रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पे भी मामला अटक गया, ठीक है ना। अब उस चीज को पहले एक्सप्लेन करे गवर्नमेंट कि भैया रिजर्वेशन का लाभ किस तरीके से दिया जाएगा, क्या फाइनल मेरिट में ओवरलैपिंग की प्रक्रिया रहेगी, कैसे रहेगी, क्या चीजें रहेंगी, ये चीजें स्पष्ट होनी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो सभी भर्तियां कोर्ट में जाएंगी फिर, है ना, कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाएंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। इससे बेहतर है एक्सप्लेन कर दे गवर्नमेंट, या एक्सप्लेन करवा दे न्याय विभाग से, तो मामला सॉल्व हो जाएगा। आज हम सभी लोगों ने आपके शिक्षा सेवचन आयोग के सचिव महोदय से मुलाकात की और उनको अपनी 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा और उनसे रिक्वेस्ट की है कि न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं उनको शीघ्र निपटाया जाए, पहला। दूसरा ये टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या मिनिमम 10,000 के अब की जाए, क्योंकि अभी 4,163 पदों का ही विज्ञापन है, तो इसमें मिनिमम जो है वो 10,000 पदों की संख्या की जाए। तीसरा, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम शेड्यूल शीघ्र जारी किया जाए। चौथा, एलिजिबिलिटी क्लियर की जाए ताकि इंटीग्रेट जीआईसी प्रवक्ता का भी जो है मार्ग प्रशस्त हो सके, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस चीज को लेकर के परेशान रहते हैं कि जो विज्ञापन अभी नहीं आया, मैं आप लोगों को बता दूं, आज विज्ञापन के विषय में भी हम लोगों ने पूछा है, उनसे बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि विज्ञापन आप सभी लोगों का वर्ष के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। जब पदों की संख्या को 25,000 तक बढ़ाने के संबंध में और पोर्टल खोने जाने के संबंध में, आवेदन लिए जाने के संबंध में हमने पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव न तो शिक्षा सेवचन आयोग की तरफ से पारित किया गया है और न ही शासन की तरफ से हमें कोई मंजूरी मिली है, ठीक है। देखते हैं क्या चीजें हो सकती हैं, तो आप लोग अपनी तैयारियां रखते रहिए। 15 तारीख तक आप लोगों की नियमावली स्पष्ट होगी, 20 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल आप लोगों के सामने होगा। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को कम से कम हम 1 से 1.5 महीने देंगे तैयारी करने के लिए, ताकि वो तैयारी अपनी कर सके कायदे से, और 2024 का मतलब जो नया विज्ञापन आएगा उसमें आप सभी लोगों को कई परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा और उसके एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम आप लोगों को 4 महीने का समय मिलेगा, ठीक है। विज्ञापन जारी होने के साथ साथ सिलेबस भी जारी होगा, प्री और मेंस का अगर ऐसी कोई प्रस्तावना है तो, क्योंकि हमने जब इस बारे में पूछा तो प्री और मेंस को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 12 सदस्यों में से 7 सदस्य इसके फेवर में नहीं है, केवल 5 सदस्य ही हैं, तो बहुमत तो नहीं वाले के पास है। और यहां अगर टीजीटी में प्रॉब्लम आ रही तो एलटी ग्रेड में भी वही प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन विज्ञापन झमाझम आएंगे आप लोगों के। लोक सेवा आयोग से भी इस बात स्पष्ट हो चुकी है कि 10,790 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड का प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जब हमने इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि एलटी ग्रेड में जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड का इंतजार कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी का इंतजार कर रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर का इंतजार कर रहे हैं, क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन एक साथ ही देखने के लिए मिलेगा, इस पर भी स्पष्टीकरण मिल चुका है। जी हाँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन एक साथ ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। परीक्षाओं में 10-15 दिन का अदला बदली रहेगी, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, तो चिंता ना करें। 14 तारीख के अंदर अंदर आप लोगों का आंसर की आ रही है सिपाही भर्ती का, ठीक है, और 25 तारीख के बाद कभी भी आपका यूपीएसआई का विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर संभावना अक्टूबर महीने के प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के मध्य में है, मतलब 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, ठीक। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी अब बातें होने लगी है, अधिकारी लेवल पे भी होने लगी है और जनप्रतिनिधियों लेवल तक भी होने लगी है, तो एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी आप लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में आ सकते हैं, ठीक है ना।
ईडब्ल्यूएस की मांग करने वाले विद्यार्थी की 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, वो विद्यार्थी एक दिन जो है छुरछुरी की तरह झुलझुला के जल ले, उसके बाद गायब हो गए, ठीक है ना। क्योंकि उनको रास ही नहीं आता है कि वो ईडब्ल्यूएस की बात करें, लेकिन ईडब्ल्यूएस को लेकर के पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो मुख्य सचिव प्रमुख सचिव के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी और जिसमें ओबीसी और एससी एसटी के समकक्ष आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रस्तावना तैयार किया गया, प्रस्ताव दिया गया था, उस पर विचार हो सकता है 2025 के आवेदनों में, ठीक है ना। जितने भी विज्ञापन आप लोगों के 2025 से स्टार्ट होंगे उसमें ये चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी सूचना लखनऊ से भी प्राप्त हो रही है। तो 97 41 83 पर आप सभी लोग शीघ्र संपर्क करिए जो यात्रीगण भाई बहन है, और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट हमें सेंड करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप 97 41 83 इसी व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स आप भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर चल गया था जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हमको हुई है, लेकिन कोई नहीं, डर के आगे जीत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग भरोसे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं तो उस भरोसे और उस विश्वास को कायम रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, सकारात्मक रिजल्ट को डिलीवर करना वो मेरा नैतिक कर्तव्य है, उसमें सफलता मिलेगी, यह हम आप सभी लोगों को आश्वासन दे सकते हैं। हमारी तरफ से कहीं भी कोई कोर कसर नहीं होगी, ठीक, निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। तो थोड़ा सा इंतजार और से आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम शेड्यूल के लिए, एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए, शैक्षिक अर्हताओं के क्लियरेंस के लिए, 7000 टीजीटी पीजीटी की नियमावली आदि को लेकर के भी। चिंता न करें, अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करें चैनल को। धन्यवाद, शुभ रात्रि।